आज इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी सब्जी का जूस जिसमें आपके शरीर के अंदर जमी सारी गंदगी निकालने की शक्ति बैठी है। एक ऐसा जूस जो मैग्नेट की तरह आपके अंदर की सभी टॉक्सिन्स को अपनी तरफ खींचने लगता है। ऐसा जूस जो आपके शरीर के साथ साथ मन को भी साफ करता है, बुद्धि बढ़ाता है। इस जूस का सिर्फ एक ग्लास रोज सुबह और आपकी लाइफ बदल सकती है। जानते हैं ये कौन सा जूस है? ये है सफेद पेठे का जूस, यानी एश गार्ड जूस। हम जानते हैं अभी आप क्या सोच रहे होंगे, सब्जी का जूस? ये तो एकदम कड़वा टेस्ट करेगा, इसको निकालने का टाइम किसके पास है और ये मुझे मिलेगा कहाँ से? चिंता मत करिए, इस वीडियो में हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे और आपको ये जूस बनाना भी सिखाएंगे। मगर इसको पीने का फायदा क्या है, आइए समझते हैं। जब हम पैकेट बंद, डब्बा बंद, तेल से भरा खाना खाते हैं या दिन में 3 बार अनाज खाते हैं तो निश्चित ही हमारी आंतें कुछ ऐसी दिखती है। सालों पुरानी गंदगी अंदर जमी पड़ी रहती है और यही गंदगी बड़ी सी बड़ी बीमारी को जन्म देती है, जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, मोटापा, पीसीओडी, अस्थमा, माइग्रेन और यहाँ तक कि कैंसर भी। लेकिन एशगार्ड जूस का हर ग्लास आपके शरीर में स्क्रबर का काम करता है। जब ही आपके शरीर से निकलता है तो पुराने से पुराने टॉक्सिन्स अपने साथ लेके निकलता है। इस जूस को रोज पीने के सिर्फ एक हफ्ते में आप देखेंगे कि आपकी स्किन चमकने लगेगी, एक नया ग्लो आ जाएगा, वेट नॉर्मल होने लगेगा और अगर कोई बीमारी या बीमारी का बीज अंदर बैठा है वो भी शरीर से बाहर निकलने लगेगा। आगे बढ़ने से पहले हम आपका एक डाउट क्लियर कर दे कि इसका टेस्ट कैसा होता होगा। एशगार्ड जूस पानी की तरह टेस्टलेस होता है, इसका कोई स्वाद ही नहीं, ये ना कड़वा होता है और ना ही मीठा, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ये दिखता कैसा है? बाहर से हल्का सा हरा और अंदर से सफेद होता है। ये आपको किसी भी सब्जी वाले के पास आराम से मिल जाएगा। कभी कभी हो सकता है कि आपका सब्जी वाला इसको दूसरा नाम से पहचानता हो। देश भर में सफेद पेठे के कई नाम है, इंग्लिश में एशगार्ड, हिंदी में सफेद पेठा, उत्तर प्रदेश में कुमरा तो बंगाल में चल कुमरा। यदि आपके सब्जी वाले नाम से नहीं समझते तो आप उनको फोटो भी दिखा सकते हैं, वो तुरंत समझ जाएंगे। याद रहे, एशगार्ड कद्दू से बहुत अलग होता है। आप गलती से कद्दू मत उठा लेना। कौन से साइज का एशगार्ड लेना है? हम सजेस्ट करते हैं बड़ा वाला एशगार्ड, ना कि छोटा, क्योंकि इस छोटे एशगार्ड में बीज ज्यादा होते हैं और जूस कम निकलता है। अब सुबह आपको सिखाएगी कि इसका जूस कैसे बनाते हैं। चलिए, अब हमने इसको आइडेंटिफाई करना तो सीख लिया, अब देखते हैं कि इसका जूस कैसे बनाते हैं। एक ग्लास एशगार्ड जूस बनाने के लिए आपको करीब 250 ग्राम एशगार्ड का टुकड़ा काटना होगा। सबसे पहले इसका छिलका निकाल दें और फिर इसके बीज भी निकाल दें। बीज और छिलका दोनों निकालना बहुत जरूरी है क्योंकि ये कड़वे होते हैं, नहीं निकालेंगे तो आपका जूस भी कड़वा बनेगा और आपको पीने में मजा नहीं आएगा। अब इसके छोटे छोटे पीसेस काट लीजिए और धीरे धीरे उन्हें इस तरह जूसर में डालिए। आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारा जूस निकलता है क्योंकि ये प्रकृति में सबसे एल्केलाइन वेजिटेबल्स में से एक है। यही नहीं कि दुनिया की हाईएस्ट प्राणिक वेजिटेबल है, मतलब इसके हर घूट में एनर्जी भरी होती है। आपको पता है इसको संस्कृत में क्या कहते हैं? कुष्मांड, जिसका लिटरली मतलब होता है टाइनी एग ऑफ एनर्जी। अगर आपके पास जूसर ना हो तो इन पीसेस को मिक्सी में डाल दीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी डालिए और फिर अच्छे से मिक्स कर ले। फिर इसको किसी पतले सूती के कपड़े के थ्रू छान ले। अगर जूसर और मिक्सी दोनों अवेलेबल ना हो तो भी कोई बात नहीं, आप पेठे को ग्रेट कर लीजिए और फिर कॉटन के कपड़े के थ्रू इसको छान लीजिए। निकालने के बाद इसको 15 मिनट के अंदर अंदर पी ले। बहुत देर बाहर रख के नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा करने से उसमें जो गुण है वो कम हो जाते हैं। एक और बात, एशगार्ड जूस का मैक्सिमम फायदा आपको तब मिलता है जब आप इसको सिप बाय सिप धीरे धीरे पीते हैं। अगर आप एक ही घूट में पूरा ग्लास गटक जाएंगे तो इसका कोई फायदा नहीं। कुछ लोग हमें बताते हैं कि वो इसमें कभी कभी तो नींबू, नमक और पता नहीं क्या क्या डाल के पीते हैं। ऐसा आप बिल्कुल ना करें। इसमें कोई नमक, नींबू, मसाला, काली मिर्च, अदरक कुछ नहीं डालना। चाहे आप बच्चे हो या बड़े, हेल्दी हो या बीमार, ये जूस सभी के लिए जादू जैसा काम करता है।
पर अगर आप इसको बच्चों को पिलाना चाहते हैं और थोड़ा मीठा करना चाहते हैं तो आप इसमें 50% नारियल का पानी भी मिक्स कर सकते हैं और ये हो गया आपका ऐश कोको जूस तैयार। ऐश का जूस के बारे में एक और बात ध्यान रखिएगा, इसको रोज सुबह खाली पेट पिए और पीने के 1-2 घंटे तक कुछ ना खाएं, क्योंकि उस समय ये आपके शरीर में गहरी सफाई का काम कर रहा होता है। कुछ खाएंगे तो सफाई रुक जाएगी। तो सबसे बेस्ट तो ये है कि आप ऐश का जूस लेने के 1-2 घंटे के बाद ही नाश्ता करें। चलिए अब अगर आपके मन में कुछ सवाल आ रहे होंगे तो हम उन सभी को आंसर करते हैं। पहला सवाल, मगर हमारे यहाँ तो सफेद पेठा मिलता ही नहीं, हम क्या करें? देखिए, ऐश का जो है वो गार्ड फैमिली को बिलोंग करता है, तो बहुत ढूंढने पर भी अगर आपको ऐश का ना मिले तो कोई भी दूसरे गार्ड का जूस पी सकते हैं, जैसे कि बॉटल गार्ड यानी लौकी का जूस। दूसरा सवाल, हम सफेद पेठे को कब तक स्टोर कर सकते हैं? यदि आपने सफेद पेठे को काटा नहीं तो आप इसको कई महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। हम तो अपने घर पे एक बार में 9-10 पेठे लाकर रख लेते हैं, ये खराब ही नहीं होते। और काटने के बाद अगर आपको जरूरत पड़े तो आप इसको फ्रिज के अंदर 5-6 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। तीसरा सवाल, क्या हम इस जूस को ठंडी जगह या ठंडे मौसम में भी ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इसको आप सर्दी के मौसम में और ठंडी जगह पर भी ले सकते हैं, ये उतना ही फायदेमंद है। बस ये ध्यान रखें कि ठंडी के मौसम में इसको रूम टेम्परेचर पे ही कंज्यूम करें, उस समय ठंडा नहीं होना चाहिए ये जूस। अगला क्वेश्चन, क्या ये साइनस या अस्थमा की प्रॉब्लम में भी लिया जा सकता है? बिल्कुल, ऐश का जूस का काम ही है गंदगी को बाहर निकालना, यानी जो भी अंदर म्यूकस जमा है जो साइनस या एस्थमा की प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा है, ये ऐश का जूस उसे भी आपके शरीर से बाहर निकालता है। ये है ही अपने आप में प्रकृति का दिया एक अजूबा, तो पी के देखिए, तभी तो आपको इसका जादू समझ आएगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज इस वीडियो को अपनी सभी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी प्रकृति की एक खोई हुई नॉलेज आसानी से पा सके। और हमारी और वीडियोस देखते रहने के लिए यहाँ क्लिक करें। अभी के लिए इतना ही, हम आपसे जल्द वापस मिलेंगे।